कॉर्नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार सरकार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बड़े फेरबदल करने जा रही है। बिहार सरकार ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में नई जो है नियम लागू किए हैं और इसे पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाएगा, इसे पूरी तरह से केंद्रीकृत किया जाएगा। और आपको बताएं कि शिक्षक नियोजन जो प्रक्रिया है उसे अब पंचायती सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसे या तो पंचायती सिस्टम में इसके बहुत ही कम जो है इसके इसके काम रहेंगे या फिर उसे बीपीएससी के हाथों सौंप दिया जाएगा। राज्य सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली 2022 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाई को केंद्रीकृत किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को इससे या तो अलग किया जाएगा या उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी। संशोधित नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में पेश किए जाने की तैयारी है। आपको बताया कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में बदलाव का संकेत गुरुवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने झंझारपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दिया था। नई प्रक्रिया को सातवें चरण के शिक्षक नियोजन से ही लागू कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीकृत नियोजन सिस्टम के जरिए सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। विरायता क्रम में भी वे विभिन्न नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों से आवेदन लेने या उनका इंटरव्यू, काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करने तक की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया जाएगा। ये जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी या बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी को दी जा सकती है। आपको बताया कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग के साथ बैठक में कई शिक्षक संगठनों ने शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को इससे मुक्त करने का सुझाव दिया है। आपको बताते चले कि शिक्षकों के लिए 3,38,000 पद रिक्त हैं। पहले प्लस टू स्कूलों का नियोजन होगा, इसके बाद प्राथमिक स्कूलों में बहाली होगी। नियोजन के लिए बीपीएससी जैसे किसी संस्थान को जिम्मेवारी दी जाएगी, जो आवेदन लेने से लेकर काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट तक की प्रक्रिया पूरी करेंगे। नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन भेज दिए जाए और काउंसलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्थान करेगी। दरअसल झंझारपुर में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षक नियोजन नीति में अब बदलाव करने की जरूरत है। पूर्व में नियोजन इकाइयों ने शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया है, इसमें परिवर्तन लाने के लिए सरकार काम कर रही है। पंचायती सिस्टम से बाहर निकाल नियोजन की एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी के तहत सातवें चरण की शिक्षक नियोजन आरंभ किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के आधारभूत संरचना के लिए 250 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है। सूबे की बजट में शिक्षा पर 25% खर्च करने की घोषणा की गई है। इससे पूर्व मात्र 21% शिक्षा पर खर्च किया जाता था। तो देखिए, शिक्षक नियोजन जो प्रक्रिया है इस पे बड़ी फेरबदल करने की तैयारी चल रही है। और आपको बताएं कि बीते दिनों झंझारपुर पहुँचे थे सूबे के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही कि अब जो है बिहार के जो शिक्षा नियोजन की प्रक्रिया है उसे पंचायती सिस्टम से पूरी तरह से बाहर निकाल दी जाएगी और इसे पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड कर दी जाएगी। तो चलिए, अब इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।